नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तारीख है दोस्तों 11 दिसंबर 2023 और यहां पे 12 दिसंबर 2023 के लिए यानी कि मंगलवार टूजे के लिए तीन स्टॉक्स इंटरडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है उसके इंटर डे लेवल बताऊंगा लेकिन ध्यान से सुने को बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है अगर आप मेरे उन स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाम सला जरूर कर लें क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी देखिए यहां पर मैं उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन टारगेट स्टॉप लॉस सब चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो चलिए शुरुआत करता हूं और सबसे पहले स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है भारत फोर्ज अब देखते के साथ ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सेलेक्ट किया गया है इस स्टॉक को है ना वो क्लियर कट आपके सामने में नजर में आ रहा है क्यों क्यों सेलेक्ट किया है क्योंकि ये एक रेंज बाउंड पैटर्न फंस गया है कौन सा पैटर्न में रेंज बाउंड पैटर्न में ना यानी कि इसको रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं आप देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ फिर आपको समझ में ये ना एक रेक्टेंगल आयताकार पैटर्न में फंस गया कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर फंस गया है तो पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर फंस गया फिफ्टीन मिनट यानी एक दो कैंडल गया ऊपर उसके बाद कि पूरे दिन में साइडवेज हो गया अब ये रेंज बना गया तो ये हमारे पास ये रेंज है ये पैटर्न बहुत ही जबरदस्त काम करता है दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा अभ्यास आप कर ले तो इस पर जबरदस्त काम होता है तो अगर ये ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है तो फिर बाय साइड जाता है और नीचे के को रेंज को ब्रेक करे तो सेल साइड जाएगा सिंपल सिंपल फॉर्मूला इसका आता है तो अगर ये ऊपर 1200 को ब्रेक करता है वन को तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है वन और इस कंडीशन में बारह सो सात रूपए सेवन टारगेट वन टू वन फोर बारह सो चौदह और तेसरा वन डबल टू वन बारह सो इक्कीस रुपए का रहेगा लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तब एक बार सेल साइड जाने का सोचा जा सकता है तो सेल करेंगे सेल का लेवल होगा ग्यारह तेरासी के नीचे सेल बिलो डबल वन एट थ्री जो स्टॉप लॉस होगा वो ग्यारह सो नब्बे रुपए का होगा डबल वन नाइन जीरो का और जो टारगेट होगा यह जीरो सो उनहत्तर रुपए और तीसरा टारगेट ग्यारह सो बासठ रुपए डबल वन सिक्स टू का शुरू के पांच मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलें उसके बाद का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें तो ये है पहला स्टॉक भारत फोर्स सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा देखिए सिलेक्शन रीजन आपको पता हो जाता है तो काफी काम आसान हो जाता है सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़े वोल्टास भी स्टडी करिए इस तरह के स्टॉक्स को ढूंढिए चार्ट पर देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पर ढूंढिए आपको मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा सारे लोग को मिलता है आपको भी मिलेगा अब ये क्या है वोल्टास है सेकेंड स्टॉक वोल्टास को भी थोड़ा स्टडी करिए ये फिफ्टीन मिनट के चार्ट पर है क्लियर अब देखिए फिफ्टीन मिनट के चार्ट पे आप देखिए ये जो ट्रेड लाइन है ना ये बार बार इसी ट्रेन लाइन पर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जा रहा है क्लियर है और उसी तरह से अगर आप देखा जाए तो इसी अपोजिट लाइन का रिजेक्शन लेके वो नीचे भी आ रहा है तो इसका मतलब अगर ये दो लाइन देखते हैं तो क्या बनता है एक ट्रायंगल ट्रायंगल पैटर्न पैटर्न बनता बनता है बनता है तो इसके वजह से इसका सिलेक्शन हो गया वोल्टास का तो अगर इस सेमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर तोड़ता है एट फिफ्टी सिक्स के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और स्टॉप एट फिफ्टी आठ सौ पचास का बनेगा जो टारगेट होगा वो एट सिक्सटी टू आठ सौ बासठ दूसरा आठ सौ अड़सठ और तीसरा एट सेवेंटी रुपए का बनेगा लेकिन अगर ये नीचे की साइड में गिर जाता है यहाँ से तोड़ता है इस एरिया को तो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट एरिया की तरफ आने की कोशिश करेगा तो सेल करेंगे हम लोग आठ के बिलो सेल बिलो 848 अड़तालीस के नीचे बेचना है स्टॉप लॉस 854 फिफ्टी फोर रुपए का और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 842 फोर्टी टू आठ सौ बयालीस दूसरा एट थर्टी सिक्स आठ सौ छत्तीस और तीसरा एट थर्टी आठ सौ तीस रूपए का फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचेगा तो आपको क्या करना है 50 टू 70 क्वांटिटी को बुक करना है बाकी का आपको अपना स्टॉक लॉस टेल करना है और याद रखिए प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ जिसका नाम है आपके सामने में और वो नाम आ गया मेटल सेक्टर जे स्टील तो चलते हैं हम लोग जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट यहाँ पे लगा रहे हैं और ये भी देखें सिलेक्शन रीजन समझेंगे ये भी एक सेमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न दो ट्रेन लाइन का सपोर्ट और रिजेक्शन लेता हुआ है देखिए यहाँ सपोर्ट है यहाँ सपोर्ट है सपोर्ट है सपोर्ट है यहाँ रिजेक्शन है रिजेक्शन है रिजेक्शन है और ये भी रिजेक्शन तो ये दो ट्रेन लाइन के बीच में जब फंसता है उसको सेमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं तो इस पैटर्न के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो एट के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय एट फोर्टी के ऊपर खरीदना स्टॉप लॉस है का लेके चल सकते हैं यानी कि आठ रुपए का लेके चलेंगे और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में पहला टारगेट 855 855 दूसरा टारगेट 861 861 और तीसरा एट सिक्स सड़सठ रुपए का लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है यहाँ से ये तोड़ता है तो सेल साइड जाएंगे तो सेल का जो लेवल होगा सेल बिलो एट फोर्टी के नीचे सेल करना है सेल बिलो एट फोर्टी स्टॉप लोस लेके चलेंगे एट फोर्टी का और जो टारगेट होगा वो एट पहला दूसरा एट ट्वेंटी एट आठ सौ अट्ठाइस सेकंड और तीसरा एट ट्वेंटी टू आठ सौ बाईस रुपए का दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और ट्रेडिंग लॉस का यूज जरूर करें बाकी टेलीग्राम चैनल साथ ही आर्के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में एजुकेशनल कॉल्स और वीडियोज मिलते रहते हैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद